वक्त भी जो है हमारी जो कोशिश थी कि किस तरह से ठीक अली शेर आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे राणा अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके वक्त। राणा साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद के सिद्दीक जान को हिरासा ना किया जाए, अब से कुछ देर पहले सिद्दीक जान को अब कौन उठा के ले गया है अभी तक हमें यह भी मालूम नहीं है, तहम उनको दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है बोल के क्या कहेंगे आप? बात यह है कि सिद्दीक जान जो है वो वाकई वो सहाफत की भी जान है, मेरा दोस्त भी है, मेरे भाइयों जैसा भी है। ये सिद्दीक जान को गिरफ्तार नहीं किया, ये पाकिस्तान की सहाफत को कैद किया है, ये पाकिस्तान की सहाफत पे एक हमला है, ये पाकिस्तान के सहाफियों के मुंह पर एक तमाचा है, ये पाकिस्तान के सहाफियों को वार्निंग दी गई है, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और कल मुल्क भर में मैं इस पर एहतजाज की कॉल देता हूं, अभी हम अपने सदर जीएम जमाली साहब से भी बात करता हूं, लेकिन कल पूरे मुल्क में हम इस पर एहतजाज करेंगे। ये क्या रवीरा बन चुका है कि जब चाहे जिसको चाहे जहां से जाए जो चाहे उठा के ले जाए, हम सहाफी हैं, हम दहशतगर्द नहीं है, हम चोर नहीं, हम डाकू नहीं, हमने मुल्क नहीं लूटा, हम पाकिस्तान के फौजे पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की अदरिया की जंग लड़ते हैं, अफवाजे पाकिस्तान की जंग लड़ते हैं, हम तो करप्शन के को बेनकाब करते हैं सियासतदानों की। और सदीक जान का कसूर क्या है? ये वही सदीक जान है जिसकी हर शख्स तारीफ करता था, और आज सदीक जान को उठाया जाना पाकिस्तान के सहाफियों के मुंह पर एक तमाचा है। ये सदीक जान को उठाया नहीं गया बल्कि ये अगवा किया गया है, आप इसे कहें कि इसे अगवा किया गया है। इसका अगवा करने वाले जो कोई भी है हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के तमाम सहाफी सदीक जान के साथ खड़े हैं, बोल टीवी के साथ खड़े हैं, और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कल से इस एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा और हम अदालतों में जाएंगे, खुद मैं पिटिशनर बनूंगा, अदालत में जाऊंगा और अदालत आलिय से जाके रिक्वेस्ट करेंगे हम कि हमारा कसूर क्या है कि हम अदलिया की जंग लड़ते हैं, हमारा कसूर क्या है हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारा कसूर क्या है कि हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन को बेनकाब करते हैं, यही हमारा कसूर है ना। तो ये अगर ये हमारा कसूर है, इस कसूर में हमें पकड़ा है, तो फिर हम पे इल्जाम लगाए इसी कसूर का, हम उसे सहने के लिए तैयार है, हम उस इल्जाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन ये हम इजाजत नहीं देंगे किसी को भी कि जब चाहे जहां चाहे हमारे सहाफी साथियों को गिरफ्तार करे, ये बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। इस पर पूरी पीएफयूजे पाकिस्तान की बरादरी, और अभी हमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट को भी लिखने लगाओ, उनको भी हम लिखेंगे कि ये हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, आजादी सहाफत को दबाने की साजिश हो रही है, और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जी सदीक जान जो है वो सहाफत की भी जान है और हम सारा हम सबका दोस्त भी है, हम इसके